हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग रेलवे की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई हुई है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की, उसकी फॉर्म कैसे भरेंगे। तो पूरी प्रोसेस आपको इसमें वीडियो में दी गई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये आपको एक लिंक जो दिख रहा है यहाँ पे, इस लिंक को आप टाइप कर लेंगे एड्रेस बार में और इंटर प्रेस करेंगे। ये लिंक आप ज़रूर टाइप करेंगे एड्रेस बार में और इंटर प्रेस करने के बाद आपको रेलवे की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस लिंक को मैंने नीचे शेयर भी कर दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट रेलवे की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं जहां से यह फॉर्म भरी जा रही है। तो यहां आप देख सकते हैं मैंने ये लिंक यहां पे टाइप कर दी है एड्रेस बार में। ये एड्रेस बार है जिसमें आपको ये लिंक टाइप करना है। लिंक जैसे मैंने कि टाइप कर दिया है और मैं इंटरफेस कर रहा हूँ। इंटरप्रेस करने के बाद आपके पास ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई। इस पे आपको जो सारी डिटेल्स है इस पे दी गई है, कब से ये फॉर्म भरी जा रही है, कब तक इसका लास्ट डेट है और इसकी पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो इसकी पेमेंट की तीन मेथड्स हैं। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो SBI के चालान और पोस्ट ऑफिस से भी जो चालान है उससे आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और इस फॉर्म की भरने की लास्ट डेट है 5/3/2018। तो यहाँ पे आप कुछ डिटेल्स यहाँ पे इसके फॉर्म के अकॉर्डिंग दी गई है कि आपको कौन कौन सी जानकारियाँ होनी चाहिए, जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको यहाँ की ज़रूरत पड़ेगी भरने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर, ये सारी जानकारियाँ आपको वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए फॉर्म भरने से स्टार्ट करने से पहले। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जैसा कि यहाँ तीसरे स्टेप में लिखा हुआ है। तो वहाँ आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी आपकी आपको अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये चौथे स्टेप में जो मोबाइल नंबर जो मैंने बता दिया है कि आपको वैलिडेट करनी पड़ेगी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, और जो मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगी उसको। फिर ये पांचवे स्टेप में, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ अप्लाई और एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी डिटेल्स आपकी फिल होगी। आपकी ये सब डिटेल फिल होने के बाद ये फ़ोटो अपलोड के ऑप्शन पे जाना होगा, जो छठा छठा स्टेप है इसका। सातवें स्टेप में आपको इसमें पेमेंट करना है, जो आप तीन मेथड से पेमेंट इसकी कर सकते हैं। फिर वो आठवें स्टेप में आप फिल कर देंगे, जो पेमेंट हो जाएगी, आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगी। तो फाइनल स्टेप के लिए ये आपको नौवें स्टेप में जाना पड़ेगा। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको आई एक्सेप्ट डेट आई हैव गॉन थ्रू द ऑल द इंस्ट्रक्शन, मतलब मैंने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, ये इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नए रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो ये पूरी डिटेल लिस्ट खुल जाएगी जहाँ पे आपको सारी डिटेल, अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं यहाँ आपको नेम, अपना नाम जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है वो नाम आपको यहाँ फिल करना है, जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन में दिया हो भी हुआ है। आपको अपना नेम फिल करने के बाद दूसरे ऑप्शन में है अपने नाम को फिर से दोबारा से टाइप करेंगे। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फिर ये आधार नंबर आपका आएगा और आप कौन से स्टेट के रेसिडेंशियल हैं, मतलब आप कौन से राज्य में भी आपका अस्थायी निवासी है, तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अगले स्टेप में आपको अपने फादर्स नेम इस बॉक्स में भरना है।
फिर आपका मदर्स नेम, फिर ये मैट्रिकुलेशन बोर्ड, मतलब आपने कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है उस बोर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ अगले बॉक्स में आपको आपका मैट्रिक का रोल नंबर डालना है। फिर ये अगले स्टेप में कौन से साल में आपने मैट्रिक किया है जो सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा इस बॉक्स में, मोबाइल नंबर को फिर से दोबारा से इस बॉक्स में डालना होगा। फिर ये है आपका ईमेल आईडी जो वैलिड होना चाहिए जिसे आप यूज करते हैं। फिर से दोबारा से यहाँ पे ईमेल आईडी को यहाँ से टाइप करेंगे। फिर ये सिक्योरिटी कोड, इसको इस बॉक्स में फिल करेंगे जो यहाँ पे वर्ड्स आपको दिखाई पड़ेंगे। फिर इस बॉक्स को क्लिक कर देंगे, ये डिक्लेरेशन है, जो इसको क्लिक करने के बाद फिर ये सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे। सबमिट बटन प्रेस करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा उसको वैलिडेट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेक मोबाइल नंबर दोनों देखेंगे और जो ओटीपी आपको प्राप्त हुआ होगा उसको आप वहाँ पे डाल के दोनों वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड यहाँ पे पॉपअप बॉक्स में दिखाया जाएगा, वो आप नोट कर लेंगे, उसको हमेशा के लिए याद करेंगे। जब भी आप फ्यूचर में आप लॉगिन करेंगे तो ये रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसे नोट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी और लॉगिन पासवर्ड को आप नोट करने के बाद फिर से वापस यहाँ पे लॉगिन पे करेंगे, आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ क्लिक करेंगे और ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पेज ओपन होने के बाद वहाँ से आपको अप्लाई और एडिट को सिलेक्ट करना है। अप्लाई और एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक की फिल करनी है, तो आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक की फिल करेंगे। दूसरी आपको आपने 10+2 को फिल करना है, यहाँ आपकी सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ से, फिर ये कंफर्म कर देंगे इसको अलर्ट। फिर आपका एग्ज़ाम का ट्रेड जो होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर ये ITI और अप्रेंटिस इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, अगर आपने ITI किया है तो ITI सेलेक्ट करेंगे और NAC किया है तो NAC सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी ट्रेड क्या है वो ट्रेड को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपने ITI की। फिर एग्ज़ाम ट्रेड क्या है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और कौन से ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका एग्ज़ाम का ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो इसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, क्या ब्रांच थी आपकी, कौन से ट्रेड से हैं आप, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और एग्ज़ाम का ट्रेड आपका जो था वो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर आपकी नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कौन से कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, क्या जेंडर है आपका वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप, रिलीजन आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सारी ऑप्शन से अवेलेबल है, आपको सेलेक्ट करना है कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हैं। फिर कुछ अदर चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे यस और नो में आंसर करना है, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे नहीं तो नो कर देंगे, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे, अगर आपने अप्रेंटिस कंप्लीट किया हुआ है तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU के एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे,
अगर आप दो मिसाइल हैं जम्मू कश्मीर के इन डेट के बीच में, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप कैंटीन, कोऑपरेटिव सोसाइटी या रेलवे के इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप फी कंसेशन, आपको रिफंड फैसिलिटी की जो पॉलिसी है रेलवे की है, अगर उसमें उसकी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो दिख रही है उसको आपको इस बॉक्स में टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको सबमिट जो बटन है उसको प्रेस करना है। यहाँ पे जो सबमिट दिख रहा है इसे आप क्लिक करेंगे। कंफर्म करने के बाद और सबमिट करने के बाद अगले स्टेप में यहाँ पे पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ एप्लीकेशन फी पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फी पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन करेंगे। तो पहले बॉक्स में आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर करना होगा, दूसरे बॉक्स में आपको अपना पासवर्ड इंटर करना होगा, और तीसरे बॉक्स में यहाँ जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है उसे आप इंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। एप्लीकेशन फी पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड करने के लिए आएगा, तो उसमें आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होगा। तो पेमेंट मोड में आप अगर पोस्ट ऑफिस से करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बैंक से करना चाहते हैं तो बैंक सेलेक्ट करें। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट के लिए पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक से, आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो ये चार्जेस सारे लिखे हुए हैं, कौन से बैंक से कितने चार्जेज हैं। कार्ड से, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अदर पेमेंट मोड से, अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के ऑप्शन सारी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपने डेबिट कार्ड के डिटेल फिल करेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद वापस आप रेलवे की वेबसाइट पे आएंगे, और वहाँ पे अपने होम पेज पे सबसे लेफ्ट साइड में आप वहाँ पे एडिशनल डिटेल है उस रेड कलर में जो दिखेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद ये आपको सेव और नेक्स्ट करना पड़ेगा। एडिशनल डिटेल में आपको आपकी मैट्रिक की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ फिल तो पहले से है, फिर आपको बोर्ड और ये आप कहाँ से स्टडी किए हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और क्या मार्क्स आपको मिले हैं, ये मैट्रिक में सेलेक्ट करना है। फिर अगला स्टेप आता है आपको 10+2 की क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो आप सारी डिटेल यहाँ फिल करेंगे, कौन से ईयर में पास किए हैं, क्या आपके कॉलेज का नाम है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, क्या मार्क्स आपको आए हैं। और हायर क्वालिफिकेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है, हायर क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो सिलेक्ट करने के बाद कौन सा स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका मदर टंग क्या है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ये कम्युनिकेशन डिटेल, आपकी जो एड्रेस है उन सारी डिटेल्स को फिल करेंगे, आपका पूरा एड्रेस, नेक्स्ट सिटी क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट क्या है और आपकी पिन कोड क्या है। फिर यहाँ पे सारे चीज़ को, स्कोर को करने के लिए यहाँ पे यस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ सिक्योरिटी कोड को इंटर करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इस पर क्लिक करके। अगले स्टेप में आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ
सिलेक्ट करने के बाद फोटो अपलोड करेंगे, फिर डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स कंफर्म करनी है कि सारी डिटेल्स मेरी सही है कि नहीं। सही करने के बाद कंफर्म करेंगे उसके बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट ले सकते हैं, अपने पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी प्रिंट ले लेंगे और यहाँ आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आपकी फॉर्म फिल हो चुकी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी आसानी हो इस फॉर्म को फिल करने में, और इस चैनल को अदर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।